छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में आरोप प्रत्यारोपों का तो दौर जारी ही है, साथ ही एक्शन ना होने पर पक्ष और विपक्ष में सवालों की छींटाकशी भी जारी है। ऐसे में देखना होगा कि सवालों और आरोपों के ये तीर अपना लक्ष्य भेद पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर लगातार चरित्र चेहरा और चुनाव को लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लड़ाई जारी है। किस तरह से आरोप प्रत्यारोप दौर चल रहे हैं वो आप सभी उससे वाकिफ हैं। मेरे साथ तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए पूरा पैनल मौजूद है। नितिन भंसाली जी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, नितिन जी बहुत स्वागत है। उचित शर्मा जी जुड़ गए मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उचित जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा नितिन जी आपके साथ। जिस तरह के पहली बात तो आप अगर हम उपचुनाव को लेकर कहें तो कितनी कांग्रेस की तैयारी है, और दूसरी बात जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, बेहद संवेदनशील मुद्दा है, और ऐसे वक्त में चुनावों में अगर ये मुद्दा उठाया जा रहा है तो उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, चुनाव की यदि आप बात करें तो चुनाव तो हम बिल्कुल जीत रहे हैं हमारे काम के दम पर, और मनोज मंडावी जी के नाम और काम दोनों के दम पर, राज्य सरकार के कामों के दम पर हम चुनाव जीत रहे हैं। जनता के बीच हम हमारे कामों को लेकर अब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की। आज लगभग पांचवा छठवां दिन है, इस विषय में लगातार हम डिबेट भी कर रहे हैं, लगातार नई नई चीजें भी सामने आ रही है। पर ये बहुत ही दुख की बात है कि एक मतलब राजनीति में देखिए कहीं शुचिता नहीं बची ऐसा लग रहा है। जो व्यक्ति के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत बलात्कार और दुष्कर्म का, एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और बलात्कार का आरोप लगा है, उस व्यक्ति को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो गई है सपोर्ट में। ये इनको सोचना चाहिए, जहां पर एक बलात्कारी को सजा दिलाने की बात करनी चाहिए वहां पर उसके लिए ये वोट मांग रहे हैं। कल जब वहां से पुलिस आई झारखंड से इस दुष्कर्मी को गिरफ्तार करने के लिए, तो ये तो छुप गया या फिर पुलिस के सामने ही नहीं आए। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो चुनाव संचालन में जो नेता थे वो जाकर पुलिस के पास जाकर वो पत्र दिया और कहा कि अभी वो नहीं आ सकते, वो चुनाव के बाद आएंगे। अभी मैं आपके डिबेट शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की बाइट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पीसीसी चीफ ने बहुत ऐसा बोला, पीड़िता का नाम जाहिर कर दिया। पीसीसी चीफ ने पीड़िता का नाम जाहिर नहीं किया है, और यदि बाल संरक्षण आयोग से कोई पत्र आया है तो निश्चित तौर पर कानूनी तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। पर इसमें इन्होंने एक चीज का कुबूल लामा तो कर दिया कि वो पीड़िता है, यदि वो पीड़िता है तो उसने बयान में बिल्कुल नाम बताया है, उसकी डायरी में ये नाम मिला है, और 10 आरोपियों की सूची में 10वें नंबर पर ब्रह्मानंद नेताम चारामा भानु प्रतापपुर जो इनका पता है वो लिखा है और उनको आरोपी बताया है इसमें। तो भारतीय जनता पार्टी को पहले तो उस बलात्कारी और दुष्कर्मी को सजा दिलाने की बात करनी चाहिए, ना कि बचाने की बात। इससे भाजपा का पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में चाल चरित्र उजागर हो रहा है। लेकिन नितिन जी, बीजेपी तो ये भी आरोप लगा रही है ना कि आप उसको मीडिया में ज्यादा उछाल रहे हैं। चलिए, वो एक पूरा उन पे जो आरोप लगे हैं वो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। लेकिन कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है मीडिया के सामने, आपके पीसीसी चीफ तमाम बातों को रखते हैं, नामों को रखते हैं, ऐसे आरोप बीजेपी आप पे लगा रही है। मीडिया पूछेगी तो जवाब नहीं देंगे क्या आप? मैं आपके तो जवाब देने में और पॉक्सो एक्ट के उल्लंघन में बहुत अंतर है ना सर। सुनिए, आप मुझसे सवाल करेंगे तो मैं जवाब दूंगा। और प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के विषय में कोई ये कहे कि मीडिया में बातें फैला रहे हैं कर रहे हैं, तो इतने मीडिया वाले भी इतने मूर्ख नहीं है, वो चीजों को देखकर ही उसको रिले करते हैं या उसको प्रसारित करते हैं, तो इन चीजों को बताने की आवश्यकता नहीं है। जो सवाल पूछेंगे वो जवाब दिए जाएंगे। और बिल्कुल ये बात जब खुलकर सामने आएगी तो भाजपा कहां चुप है? भाजपा भी तो लगातार काउंटर कर रही है कि नहीं, हमारा प्रत्याशी जो है वो पाक साफ है, वो न्यायाधीश बन गए हैं, सीधी क्लीन चिट। एक बार भी यदि ये बोल देते कि भाई ये गंभीर आरोप है और हम इसकी जांच करवाएंगे, पुलिस को हम इसकी जांच में मदद करेंगे, और यदि ये आरोप में आरोपी है और यदि जो तो उन पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल उचित जी, कैसे देख रहे हैं पूरा भानु प्रतापपुर का उपचुनाव, किस तरह की पार्टियों की जो गतिविधियां हैं वो भी आपसे जानना चाहूंगा, क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है, साथ ही में इस तरह का ये जो आरोप प्रत्यारोप चेहरों को लेकर लगाया जा रहा है ये इस समय उठाना कितना उचित है जो इतना संवेदनशील विषय है? देखिए, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है कि ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित है। अब जो भी है वो पॉक्सो एक्ट का मामला है, 2019 का मामला है, फिर टाइमिंग राजनीति बड़ी टाइमिंग की बड़ी
महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आप देखिए इसका टाइमिंग किस तरीके से उस तरीके से सेट किया गया, इस तरीके से माहौल बनाया गया, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, फिर कुल मिला के टोटल राजनीति से प्रेरित है वो। जो हालांकि इसकी आप पूछे तो आवश्यकता नहीं थी, कांग्रेस एक सशक्त पोजिशन पे तो है उस जगह, उनके कैंडिडेट बहुत अच्छे है, उनके मनोज सुर्गी मनोज मंडावी जी की इमेज काफी अच्छी थी, पिछले चुनाव भी 19,000 वोट से लगभग वो जीते थे, तो इस तरीके से भी वो आसानी से चुनाव निकाल सकते थे, इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर ये पकड़ नहीं भी होता। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस लोकतंत्र में एक जमहूरियत में हमारे इस विधानसभा की जो मूलभूत बुनियादी जरूरतें थी वोटरों की, जो की 4 साल में क्या विकास हुआ, कितने वादे हुए कितने नहीं हुए, क्या क्या विकास हुआ, जो मूल जरूरतें थी, मूल मांग थी, जो मूल संवाद है, वो इस नए सेट इस जगह पिछड़ गया है। वो मुद्दे इस आंधी में, इस नए मुद्दों की आंधी में पास्को एक्ट में थोड़े से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अब जो वहां के 1-2 लाख जनता का जो मूल बुनियादी सवाल था, जो उनकी आवश्यकताएं थी, उनकी जरूरत थी, जो उनकी स्कूल थी, उनकी नौकरियां थी, उन तमाम चीजों पर जिसपे संवाद होना चाहिए थी, चर्चा होनी चाहिए थी, वो इस चुनावी चर्चा से गायब है। उस पर किसी पे वाद विवाद डिबेट और संवाद किसी तरीके का नहीं हो रहा, तो ये दुखद पहलू है इस उपचुनाव का, खासकर हमारे लिए सबके लिए। हम उन विषयों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं जो विषय गौण है, सेकेंडरी है, उन पर बाद में भी चर्चा की जा सकती थी, लेकिन फिलहाल जो अगर उपचुनाव है उस पे जो उस विधानसभा के क्षेत्र में जो हमको चर्चाएं करनी थी, डिस्कस करनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत अग्रेसिव मोड में वहां खेल रही थी, 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस का कार्यकर्ता नाराज जो चल रहे हैं, तमाम वो चीजें थी जिसका फायदा, और खासकर आदिवासी आरक्षण का जो मामला है जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने लेके चल रही थी, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। जो आदिवासी आरक्षण था उसको सपोर्टाइज करने के लिए इस नए मुद्दे को लगता है कि ये प्लेस किया गया, नए नैरेटिव सेट किए गए हैं। पास्को एक्ट है, उससे कोई दो मत नहीं कि उसमें इनकी कितने आरोपी हैं, ये बात भी सत्य है, लेकिन वो कितना उसमें जांच और विवेचना के बाद ही आप किसी को आरोपी को आप रेपिस्ट बोल सकते, जो रेपिस्ट शब्द का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, क्योंकि पूरी न्यायिक व्यवस्था है और उसके तहत अगर जांच होगी, और हम वही कह रहे हैं अगर जांच में साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होना भी चाहिए, लेकिन सवाल बड़ा यही है कि जब उपचुनाव है और चुनावों के वक्त ऐसे मुद्दे आना कहीं जो असल मुद्दे हैं उनको पीछा कर देते हैं। वही दुखद पहलू है जी। ये भी आपसे जानना चाहूंगा सर, भानु प्रतापपुर जो सीट है वहां पर जो उपचुनाव है, क्या कुछ बड़े मुद्दे हैं, क्या ज्यादा गौर करने की जरूरत है, कहां वो इलाका पिछड़ रहा है, क्योंकि आप मुझे लगता है वहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ है। देखिए वहां पे बहुत सारी इश्यूज जो है, खासकर तो कांग्रेसी कार्यकर्ता, आप दोनों के पक्ष में बताओ, कांग्रेसी कार्यकर्ता थोड़े से नाराज है क्योंकि कांग्रेसी के जो चारों विधानसभा है उसमें गवर्नमेंट अधिकारियों को टिकट दे दी गई, चाहे वो अंतागढ़ का हो, केसकाल का हो, चाहे वो कांकेर का हो, खुद भानु प्रतापपुर का हो, तो एक नाराजगी जाहिर है, स्वाभाविक है कि नाराजगी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है। दूसरी चीज की जो वहां पे इनके फेवर में नहीं जा रही कांग्रेस की, वो आदिवासी आरक्षण वाला मामला, भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज देने में सफल रही है कि ये जो आरक्षण का 32 से जो 20 हुआ है इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। चलिए राजीव जी भी मेरे साथ जुड़ गए। राजीव जी आपसे सीधा ही सवाल है, और नितिन भंसाली जी ने जिस तरह के तमाम बातचीत की है, आरोप लगाए, और उन्होंने ये कहा कि उपचुनाव अपनी जगह है लेकिन आप जिन पर आरोप लग रहे हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन आरोपों को कैसे देखेंगे और उपचुनाव में कितनी तैयारी आपकी? देखिए उपचुनाव में निश्चित रूप से हमारी जीत तय है, और पूरी तरह से जिस तरह से कांग्रेस ने, ये तो नितिन भाई भी कह रहे हैं, नितिन जी भी यही बात कह रहे हैं, षड्यंत्र करके कूटरचित करके फंसाया, तो पूरे ये जो संदेश है आदिवासी समाज को कि कांग्रेस पार्टी सीडी और वीडी वाली पार्टी है जो झूठे फैब्रिकेटेड सीडी बनाती है और इसके झूठे केस तैयार करती है, कूट रचना करती है, तो आदिवासी समाज बहुत आक्रोशित है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उसका दीर्घकालीन फायदा मिलेगा, क्योंकि आदिवासी समाज में यह संदेश गया है कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया वो ठीक नहीं किया और उसके बहुत गलत इंपैक्ट जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी को उसकी इसको बहुत लंबी जवाब देना पड़ेगा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से घोटाला किया, शराब के बदले जिस प्रकार से राजीव जी वो ये पूछ रहे हैं, ब्रह्मानंद जी के जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो सही है क्या?
आरोप तो मिथ्या है, मिथ्या आरोप में क्या मिथ्या करेंगे हम? बिल्कुल हम ब्रह्मानंद नेतान जी के साथ खड़े हैं और वो जो जिन्होंने मिथ्या आरोप लगाया वो प्रश्न है कि खड़े बन गया। अच्छा एक 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 चीज मुझे राजीव जी बताइए, मैं बिल्कुल आपके जो सवाल है वो जायज है, उस पर नितिन जी से जवाब भी लूंगा, लेकिन एक चीज आपसे यहाँ एक सवाल और बनता है। आप कह रहे हैं कि आरोप के तहत उनको फंसाया जा रहा है या उनपे गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, तो भाई कितने सारे और नेता हैं उनपे क्यों नहीं लगाए गए ये आरोप? या आपको न्यायिक व्यवस्था पर फिर भरोसा ही नहीं है अगर इस तरह से आरोप लगाकर फंसाया जा रहा है तो? नहीं देखिए, चार वर्ष पुराना मामला जिसमें रोज पेशी होती, जिस मामले में उस मामले में चार जिसमें हर 15 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में जिसकी पेशी होती है, उस मामले में कोई संज्ञान नहीं लेना और चुनाव में दावा पत्ती भी किया जाता है। अगर कांग्रेस को मालूम था तो कांग्रेस पार्टी ने दावा पत्ती में भी उन कोई हिस्सा नहीं लिया, मालूम होता सीधे आरोप लगा दिया कि ये इसके खिलाफ ये केस है, जिस केस में 15 दिन में सुनवाई होती है और धारा 164 में जिसमें नामजद बयान होता है वहां पे भी ब्रह्मानंद नेताम जी का नाम बाद में जोड़ा गया, वो तो कूट रचना दिख रही है, बीच में उससे जोड़ा गया। नितिन साहब कूट रचना का आरोप आप पर लगा रहे हैं कि जिस तरह से चार साल का ये पूरा मामला है, लेकिन जब चुनाव दहलीज पर है तो आपको तमाम आरोप याद आ रहे हैं। कूट रचित लोग, कूट रचना में मास्टर लोग तो ऐसी ही बातें करेंगे, हमें कोई लेना देना ही नहीं है भाई। सुनील भाई चुनाव तो हम ऐसे ही जीत रहे हैं, ऐसे ही जीत रहे थे हमारे काम के दम पर, हमको क्या आवश्यकता थी? चीजें जैसी संज्ञान में आई वैसी आम जनता के सामने है, पता चलना चाहिए। कौन चाहता है मुझे बताइए, ऐसे गंभीर आरोप में कोई व्यक्ति यदि फरार है जिसके ऊपर दुष्कर्म और बलात्कार के आरोप लगे 15 साल की बच्ची के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को क्या हम विधानसभा या लोकसभा में देखना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी, मैं तो फिर कह रहा हूँ, एक बलात्कार के और दुष्कर्म के जुर्म के आरोपी को सपोर्ट करके अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो भाई। हमें तो ये भी जानकारी मिली कि इनके बीच में भी काफी अंतर कलह है, और जब टिकट वितरण की बात चल रही थी, जब टिकट वितरण के समय भी ये बातें आई थी कि इसके ऊपर जो है इस प्रकार का मामला दर्ज है या जो भी है, तो जानबूझ के उसको छुपाया गया। कोई चाहता था लड़े और कोई चाहता था न लड़े, तो कहीं ना कहीं किसी की आपस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की किसी की साख को उचित थी। चार साल इस पूरे केस को हो चुके हैं, क्या लगता है न्यायिक व्यवस्था जो है इतना समय जो लगा है, क्या निश्चित तौर पर भ्रांतियां फैलाई गई हैं, क्या जो सही चीजें थी वो सामने नहीं रखी गई हैं, क्या लगता है? नहीं, इसके अलग अलग पहलू है, इसमें बहुत डाउटफुल है, अभी तक आप इसके सही समय सही पकड़ पाना भी मुश्किल, इसके छोर को पकड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि पास्को एक्ट में इतना समय लगता नहीं है वो जितनी भी। दूसरी चीज की ये कूट रचना की अगर बात कर रहा है तो उस पर भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले कोई आरोपी थी, फिर आरोपी था, फिर उसमें विवेचना हुई, विवेचना के बाद फिर और किसी के नाम आए, फिर अन्य किसी के नाम आए, तो इसको कूट रचना करके किसी के नाम जुड़वाना और नाम जोड़ा गया इंटेंसली, ये भी चीजें सब संभव है, इसकी जांच होनी चाहिए कि वाकई इनके नाम 2019 से हैं या फिर इनके 2021-22 में इनके नाम डलवाए गए, ये हकीकत है कि इनके इनको देखना चाहिए, इस पर भी जांच होनी चाहिए। न्यायिक व्यवस्था पे भी तो सवालिया निशान खड़े होते हैं कि क्या 2019 के केस कोई पास्को जैसे गंभीर अपराध में अगर कोई लिप्त है, संलिप्त है, और उसकी विवेचना में इतना समय लग रहा है और उनको नोटिस देने में इतना समय लग रहा है, समन जारी करने में इतना समय लग रहा है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ काला पीला है। चलिए राजीव, बिल्कुल राजीव जी, देखिए आप अगर प्रत्याशी आपकी तरफ से बनाया जा रहा है और उनपे इतने आरोप लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ मामला था तो इस पर आपको सोचना चाहिए था तमाम चीजें, क्योंकि वो तो बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। नितिन जी तो पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं, वो बलात्कारी जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके प्रत्याशी के लिए। हाँ, ऐसे ही होता है, कांग्रेस पार्टी के लोग राजतंत्र के लोग हैं, पूरी जनता पूरी आदिवासी समुदाय के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, ये पूरी जनता जानती है भानु प्रतापपुर की कि वो कितने निरीह हैं, बिल्कुल निरीह है। और झूठा आरोप लगाकर जिस केस की मैंने कहा ना, हर पंद्रह दिन में जिस केस की सुनवाई होती है, धारा 164 में नामजद जब होती है, और इनकी सरकार संयुक्त क्यों दे रहे हो, क्यों की सरकार और बघेल जी की सरकार, ये संयुक्त सरकार कितने वर्ष तक सोई हुई थी क्या? न्यायालय सरकार है तो हमारी सरकार में 3 साल तक सरकार सोई रही और छत्तीसगढ़ की सरकार सोई रही, तो ये तो विपक्ष के नेता है
और सोए रहना, तो ये तो संदेह को ही जन्म नहीं देता। राजीव जी आप कह रहे हैं कि हम एक बड़ी जीत के साथ उपचुनाव को जीत रहे हैं, देखिए आपके प्रत्याशी पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं जिसका सीधा इफेक्ट जनता पर पड़ेगा, वहां का जो मतदाता है वो तमाम पहलुओं पर सोचेगा, अब इन आरोपों के बाद कैसे आश्वस्त हैं कि आप जीत रहे हैं? छद्म रूप से कुटरचित करके किसी निरीह आदिवासी को आरोप, आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात कह रहा हूँ, आज ये कोई मुद्दा नहीं है। भानुप्रतापपुर में ब्रह्मानंद नेताम जी के ऊपर जो झूठा आरोप लगाया गया, आज वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा है महिलाओं के आक्रोश का कि वहाँ महिलाओं के ऊपर छत्तीसगढ़ में वो रहे। अच्छा राजीव जी अभी नितिन जी पूछ रहे थे कि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं उन्होंने उस लड़की का नाम उजागर किया है, पॉक्सो एक्ट का जो उल्लंघन है वो किया है, तो अभी वो नितिन जी पूछ रहे थे भाई कहाँ किया है? वो कांग्रेस ने किया, कांग्रेस के ऊपर इसके लिए नोटिस आया महिला आयोग से। हाँ। कांग्रेस के नेता जानते नहीं महिलाओं के मान मर्यादन का किस प्रकार करना चाहिए, आप लोग जानते हैं ना, दिख रहा है जो जस्टिस की भी जो इतने गंभीर आरोपी को वो कांग्रेस के नेताओं के ऊपर लगे, लेकर ये कांग्रेस पार्टी ने किया, कांग्रेस कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव कठुआ दो ना भाई जवाब, हाँ वो फिर आप भी मनु शर्मा पे बात करिए, आपके मनु शर्मा तंदूर कांड वाले 1984 में किस प्रकार से सिख महिलाओं को खींच खींच कर बलात्कार किया गया, सामूहिक हत्या की गई, पूरी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के नहीं थे, कितने युवक कांग्रेस के लोगों ने किस किस महिला के साथ क्या किया, तमाम नाम है, हम तो नाम उजागर होता है वो दंडित करते हैं, वो जेल में है, आपके पार्टी की तरफ ब्रह्मानंद नेता मनु शर्मा नाम लेके आरोप और कितने कितने तमाम नाम है पॉक्सो एक्ट के तहत 15 साल की नाबालिग के साथ। चलिए चलिए ठीक है, देखिए वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अगर एक अपराधी है एक आरोपी है तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नितिन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्या अगर इस पूरे मामले को हम अलग हटाएं क्या कुछ समस्याएं, क्या लगता है कहाँ विकास की अभी कमी है भानुप्रतापपुर में? झारखंड के विधायकों को यहाँ रुकवाया, उसका कमी यही है। राजीव जी आऊंगा आपके पास सर, नॉन स्टॉप नहीं है, या पूरा प्रदेश की जनता कहे हर वर्ग खुश है, और ये तो देखिए आकस्मिक बहुत दुखद है, मनोज मंडावी जी का आकस्मिक ऐसा हम सबके बीच से चले जाना बहुत दुख है, झूठे आरोप और उसके उनके देहांत के बाद ही ये चुनाव हो रहा है, और एक योग्य प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रही है, मनोज मंडावी लोकप्रिय और जनप्रिय नेता है, क्षेत्र में काम किया, तो जो प्रत्याशी है कांग्रेस की अभी वहाँ पर वो मनोज मंडावी के काम पर और नाम पर ही चुनाव हो रहा है वहाँ पर, तो सीधी सी बात है हमें कोई चिंता ही नहीं है। मैं तो आपको फिर चैलेंज करता हूँ, आपकी डिबेट में एक बार और कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ, तो डेढ़ गुना मार्जिन से पिछली बार की लीड से डेढ़ गुना ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीत गए जी। चलिए राजीव जी वो बड़े आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि वो जीत रहे हैं चुनाव। नहीं देखिए चुनाव में तो ब्रह्मानंद नेताम जी की जीत है, ठीक है हो सकता चुनाव परिणाम कुछ और हो सहानुभूति के कारण, लेकिन आदिवासी समुदाय का आरक्षण छीना गया है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और वो आक्रोशित है, और दूसरा ये निरीह आदिवासी को झूठे के फंसाया गया है सत्ता तंत्र के द्वारा, दो झारखंड की सरकार की सरकार, इसका जवाब आदिवासी के न्यायालय में आपको देना पड़ेगा, जनता मांगेगी। बैठेंगे नितिन जी अपन बैठेंगे, अभी अभी उनकी बात आ जाएगी, जवाब लेगी काउंटिंग के बाद क्या जवाब देंगे, कौन सी खोटा कलम नहीं देंगे, जरूर 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 ये सवाल है, ये सवाल है कि आप जी राजीव जी मुद्दों पे अगर हम देखें वो कह रहे हैं हमारा काम और नाम दोनों चीज बोलेंगी। नहीं काम तो कुछ नहीं है, रायपुर खोदापुर में तब्दील हो गया है, चाकूपुर में तब्दील हो गया, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत कुछ नहीं है। अच्छा चलिए राजीव जी चार चीजें बताइए ना भानुप्रतापपुर में आपको लगता है कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है। राजीव जी दो चार चीजें गिनवा दीजिए नितिन जी को कि भाई ये काम आपने नहीं किया है। देखिए इनका सबसे बड़ा चुनाव में मैनिफेस्टो था शराबबंदी करेंगे, शराब की नई श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, और ये कमेटी की बात करेंगे चार साल, जैसे ब्रह्मानंद नेताम जी का चार साल बोलेंगे, चार साल से हम कमेटी बना रहे हैं, कानून व्यवस्था की हालात खराब है, गौठानों के द्वारा जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा, भ्रष्टाचार का लेखा जोखा भी आपके सामने, सरकारी अस्पतालों में दवाएं नहीं है, सरकारी अस्पतालों की हालात खराब है,
शिक्षा व्यवस्था देखेंगे, स्कूलों में ताले लटके हैं। उचित जी कैसे देख रहे हैं तमाम आरोपों को और दूसरी तरफ कांग्रेस का कॉन्फिडेंस? अपने हाथ में छोड़ दिया चुनाव है, शिक्षा व्यवस्था, चलिए लौटूंगा आप दोनों के पास लौटूंगा। उचित उचित जी की एक टिप्पणी पैसा यूरिया ब्लैक में लौटूंगा। राजीव राजीव भाई राजीव जी लौटूंगा आपके पास आऊंगा आऊंगा। हर चीज दो नंबर इतना पड़ता है, बिजली बिल का इतना बड़ा मुद्दा है, जी उचित जी बोलिए। राजीव जी आऊंगा, नितिन जी आपके पास भी लौटूंगा। मुद्दों की कोई कमी नहीं है दोनों की तरफ, आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास अपने मुद्दे हैं, दोनों के पास कमी नहीं है। चार साल की एंटी इनकम्बेंसी भी उस क्षेत्र में नजर आ रही है, फिर मनोज मंडलावी जी की अपना व्यक्तित्व अलग था, अब उनके जाने के बाद अभी कुछ सीन वहां के अलग है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की अपनी भी कई विफलताएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जो तीन साढ़े तीन साल जो विपक्ष के रूप में दिखा रही, उनके अंदर कई अपनी लड़ाइयां हैं। फिर आदिवासी आरक्षण का जो मसौदा तैयार हुआ था वो उन्होंने तैयार किया था। बड़ा फैक्टर क्या काम करेगा भानु प्रतापपुर में? सर भानु प्रतापपुर में जो ट्रायंगुलर चीजें हो गई, अभी ये त्रिकोणीय चीजें हो चुकी है सर, आदिवासी समाज जो है वो बड़ा फैक्टर क्रिएट करेगा वहां पे। अब मुकाबला पहले दोनों पार्टी का था, अभी मामला पूरा का पूरा ट्रायंगुलर हो गया, और ट्रायंगुलर के कारण जो वोट कटेंगे या वोट आदिवासी समाज के अपने कैंडिडेट पर जाएंगे वो बड़ा फैक्टर होगा। रहा मुद्दों की बात, तो मुद्दे की कमी ना कांग्रेस के पास कमी है ना भारतीय ना भाजपा के पास है। चलिए राजीव जी आखिरी 10 सेकंड आपके पास। जी देखिए, भानु प्रतापपुर की जनता और आदिवासी जनता जनजाति समुदाय एक बहुत बड़ा एक उनके पास मैसेज गया है कि कांग्रेस पार्टी छल कपट और षड्यंत्र की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर रिसोर्ट में फिर होटल में झारखंड के सरकार को जो शराब उपलब्ध कराई थी उसके बदले में एक निरी आदिवासी को बलि का बकरा बनाती है कांग्रेस पार्टी, ये मैसेज गया है। और इसका बदला आने वाले जो 2023 के चुनाव में जो मुख्य मुकाबला होगा उसमें कांग्रेस पार्टी मुख्य मुकाबला में देखेंगे। नितिन भाई 10 सेकंड नितिन जी। अरे हम बदले की नहीं बदलाव की राजनीति करते हैं, ये कह रहे थे कि वो मैसेज जा चुका है सर्व आदिवासी समाज में, ऐसा कुछ नहीं है। सर्व आदिवासी समाज में, उस विधानसभा के मतदाताओं में, इस प्रदेश की जनता में और इस देश की जनता में ये मैसेज जरूर गया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बलात्कार के आरोप के खिलाफ पॉक्सो एक्ट मामला दर्ज है, इसके लिए वोट मांगने कोयले के घोटाले की सरकार सजा दिलाने की बात कर रही है, विधायकों के लिए वोट मांगने। चलिए बिल्कुल देखिए, ये लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार जारी है, और साथ ही एक्शन ना होने पर विपक्ष भी भारी है। अब देखना होगा कि किस तरह से जनता जो है वो चयन इस उपचुनाव में करेगी। नितिन जी, उचित जी आपका और राजीव जी आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो आने वाला वक्त तय करेगा और मतदाता तय करेगा कि किसके वादों पर और किसके दावों पर एतवार किया जाए। डिबेट में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।